नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, आमतौर पर केवल दांतों को साफ करने के लिए ही टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूथपेस्ट दांतों की सफाई के अलावा भी आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आप नहीं जानते तो आज के इस पैकेज में हम आपको टूथपेस्ट के कुछ आश्चर्यजनक फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर त्वचा का कोई भाग जल गया है और उसकी जलन कम नहीं हो रही है तो टूथपेस्ट एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसे जले हुए स्थान पर लगाना चाहिए, इससे जलन भी कम होगी और फफोले भी नहीं पड़ेंगे। अगर चेहरे पर मुहासे हो रहे हों तो टूथपेस्ट आपको इनसे निजात दिला सकता है। बस रात को मुहासों पर टूथपेस्ट लगाकर छोड़ दें और सुबह उठकर पानी से धो लें। ये त्वचा के अतिरिक्त तेल को सोख लेगा और मुहासे सूख जाएंगे। कपड़े पर लिपस्टिक या स्याही के दाग लग जाने पर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस दाग लगने वाली जगह पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा कर रख दें और फिर इसे बाद में धो लें। इससे दाग पूरी तरह चला जाएगा। अगर कांच की टेबल पर चाय के कप रखने से निशान बन गए हों तो उन्हें मिटाने के लिए टूथपेस्ट का प्रयोग करें, निशान तुरंत साफ हो जाएंगे। टूथपेस्ट आपकी सुंदरता को बढ़ाने में भी सहायता करता है। इसे नींबू के साथ मिलाकर फेस पैक की तरह लगाने से त्वचा गोरी होती है। इसके अलावा टैन हुई स्किन, झुर्रियां और डार्क सर्कल्स को मिटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपकी ज्वेलरी काली पड़ गई है और आप उन्हें चमकाना चाहते हैं तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी ज्वेलरी को साफ कर एकदम चमकदार बना देगा। डायमंड ज्वेलरी को चमकाने के लिए भी आप इस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अगर दूध के बर्तनों में से बदबू हटानी हो या बच्चों की दूध की बोतल को साफ करना हो तो आप उस बर्तन में थोड़ा सा टूथपेस्ट घुला हुआ पानी डालकर खंगाल लें। इससे बर्तन में से दूध की महक चली जाती है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो वो जरूर आपकी दीवारों पर कलाकारी कर ही देते होंगे। तब भी टूथपेस्ट लगाकर आप उन धब्बों को साफ कर सकते हैं। इससे दीवार का रंग भी हल्का नहीं पड़ेगा। अगर आप मैनिक्योर या पेडिक्योर के लिए पार्लर नहीं जाना चाहते तो घर पर ही टूथपेस्ट का उपाय करके मैनिक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं। इसके लिए पानी में टूथपेस्ट को घोलकर प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपके नाखूनों की चमक फीकी पड़ गई है तो नेल पॉलिश रिमूव करके कुछ देर तक टूथपेस्ट की मालिश करें, इससे नाखूनों की चमक वापस आ जाएगी। अगर आपका घर का आईना बहुत गंदा या धुंधला हो गया है तो बेफिक्र होकर उसे टूथपेस्ट से साफ करें, आईना बिल्कुल साफ हो जाएगा और धुंधलापन भी गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने टूथपेस्ट के कितने सारे फायदे हैं, तो इन सभी उपायों का जरूर इस्तेमाल करें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।